तो आज हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व के प्रकार के बारे में। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि वस्तु की जो स्थितियां होती है वो दो होती है, एक विराम और एक गति की अवस्था, ठीक ना। विराम अवस्था में क्या होता है, वस्तु का जो स्थान और दिशा होता है वो क्या होता है, निश्चित रहता है, और गति वाले में चेंज हो सकता है, ठीक ना। लेकिन मान लीजिए अगर जो है आप कोई वस्तु जो है अस्थायी पड़ी हुई है, स्थिर कहीं पर जो है विरामावस्था में पड़ी हुई है, तो उसके स्थिति में परिवर्तन के लिए आप जब बल लगाएंगे तो उस वस्तु के द्वारा जो है आपके बल का विरोध किया जाएगा। मतलब जो आप बाहर से बल लगाएंगे आपके बल का क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। वही जो विरोध करने का गुण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विराम का जड़त्व, ठीक है। तो परिभाषा देखिए हम लोग क्या लिखे हैं कि किसी यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, कैसी है, तो विरामावस्था में, और वह अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आप जो है ना कोई सामान रख दीजिए कहीं पर, और वह वस्तु या सामान जो है तब तक वैसे पड़ा रहेगा जब तक उसको कोई छुएगा या घुमाएगा या वहां से हटाएगा नहीं। मतलब जब तक आप जो है आप या आपके घर का कोई जो है कोई उस वस्तु को उस स्थान से इधर उधर नहीं करेगा तब तक वो वस्तु हिलेगा नहीं हिलेगा, ठीक ना। लेकिन आप अगर जो है उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं या उसको घुमाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे स्थिति में वह वस्तु आपके द्वारा लगाए जाने वाले बल का क्या करता है, विरोध करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विरामा का जड़त्व, ठीक है। तो विराम का जड़त्व तो क्या होता है, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो आता है इसके स्थिति में परिवर्तन के लिए लगने वाले बाह्य बल के विरोध को हम क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व। मतलब आप उसको खिसकाने के लिए घुमाने के लिए जो बल लगाएंगे वह अपनी एक क्षमता तक क्या करेगा, आपके बल का विरोध करेगा, बोलेगा नहीं घूमेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, विराम का जड़त्व। दूसरा आता है गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व में क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है और आप चाहते हैं कि उसके जो गति की अवस्था है उसमें क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो ऐसे केस में जो है अपनी क्षमता भर जो है वो वस्तु गतिमान अवस्था में रहते हुए आपके द्वारा लगाए जाने वाले बल का विरोध करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना। अब ये अलग मामला है कि आपने बहुत तेजी से दम लगा दिया तो उसकी दिशा बदल गई, लेकिन अपने क्षमता भर जो है वो आपके बल का क्या करेगा, विरोध नहीं करेगा। तो वही जो उसके द्वारा विरोध किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो वह अपनी गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब जब, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस नियम में जो है घर्षण को जो है इग्नोर कर दिया गया, मतलब घर्षण को ध्यान में नहीं रखा गया। नहीं तो आज तक देखिए कि कोई वस्तु जो है एक बार गतिमान कर दिया गया तो जिंदगी भर जो है ट्रेन वेन तो फिर कभी रुकना नहीं चाहिए। आपका साइकिल जो है ना, स्कूल से कोचिंग आते हैं तो कोचिंग बजाय आपको जो कहीं और दुनिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया चले जाना चाहिए था, है ना। नदी समुद्र जहाँ था उसको वहां पे साइकिल उठा के कंधे पे रख लेते, समुद्र में घुस जाते, और इसके बाद जो है जैसे समुद्र पार होते फिर साइकिल उतारते फिर चलने लगते, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है ये घर्षण के, जो घर्षण का मामला होता है, घर्षण बल क्या होता है कि दो खुरदरी परतों के बीच जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण। रगड़ जो उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण। तो इसमें जो ना इस नियम के तहत जो घर्षण को कोई मायने नहीं दिया गया, ठीक ना। घर्षण का मतलब कुछ भी नहीं समझा गया। तो ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है वह वस्तु गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के द्वारा बाहर से लगने वाले बल का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व। सीधा सीधा मामला यह है कि अगर कोई वस्तु अस्थाई है उसको आप घुमाने का प्रयास करेंगे, इधर उधर करने का प्रयास करेंगे तो वो गति में जाने के लिए तैयार नहीं होगा, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसको आप डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे तो अपने गति के साथ कुछ समझौता करने को तैयार नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं जो उसका विरोध करने का गुण होता है उसी को हम क्या बोल देंगे, जड़त्व। अगर विरामावस्था में है तो विराम का जड़त्व, अगर गतिशील अवस्था में तो गति का जड़त्व। बस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
अब हम लोग पढ़ेंगे संवेग के बारे में। संवेग, ठीक है ना, या इसको आप कह सकते हैं रेखीय संवेग। ठीक है ना, संवेग या रेखीय संवेग। ये होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई क्या है, वस्तु है और वो गतिमान है। कैसी है, तो गतिमान है, तो जो वस्तु गतिमान होगी उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है ना, क्या होगा उसका, द्रव्यमान होगा। और गतिमान वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग भी होगा। ठीक, इसे दोनों में हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेखीय संवेग। इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, रेखीय संवेग। ठीक है ना, बात समझाइए। कोई वस्तु है वो कैसी है, तो गतिमान है, मतलब गतिशील है, उसके द्रव्यमान और मतलब जो वस्तु होगा वो गतिमान होगा, तो उस वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा, गतिमान वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। और जब वो वस्तु गतिमान होगी तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग को हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, हम इसको डिनोट किससे करते हैं, पी से। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, तो एम से। और त्वरण को, वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, तो वी से। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू वी। तो P बराबर हमारा क्या आ गया, m इंटू वी। बस समझ गए, कोई दिक्कत। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, तो परिभाषा क्या बनेगी, हमको नहीं लगता कोई दम इसमें। देखिए, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को, गुणा का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे, गुणनफल। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो P से। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे P मान लेते हैं, तो P बराबर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान गुणे वेग। तो P बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी। ठीक ना, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकेंड। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बस सुन जाइए, कोई दिक्कत, लिखिएगा परिभाषा पहले। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा, अगर बात की जाए सदिश राशि होगी या अदिश राशि, तो सदिश राशि, कुछ नहीं सोचना। जहां पे वेग आया, कुछ नहीं सोचना है, जहां पे वेग आया, वेग में बोलता है कि दिशा के साथ गति, ठीक है ना, और दिशा का मतलब क्या हो गया, सदिश।
तो जहां पे वेग आया कुछ सोचना विचारना नहीं, चुपचाप बोल देना है सदिश राशि। तो यह कैसी राशि है? तो ये संवेग जो होता है कैसा होता है? तो सदिश राशि होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, डायग्राम बना लीजिए। तो इससे संबंधित आंकिक प्रश्न हम लोग करेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान चालीस किलोग्राम है तथा वह है चालीस मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो इस वस्तु का रेखीय संवेग ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? 1600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, हमारा सूत्र क्या होता है? P = m × v, जहां पर P हमारा क्या है? रेखीय संवेग, और m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, मतलब वस्तु का किलो का है, और v का मतलब क्या हो जाएगा? वेग। ठीक ना, तो वस्तु का जो द्रव्यमान हो कितना है? 40, और वेग हमारा कितना है? 40 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे देखिए दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड, तो 40 × 40। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, ये द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। हाँ, किलोग्राम गुणे, और इसका मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा 4×16 और 1 0 इधर, 1 0 इधर, 2 0 लगा दीजिए, कितना हो गया? 1600। अब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा सवाल लग गया। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा सवाल मिटाए इसको, लग गया ना? दूसरा सवाल लिखिएगा, लिखिए। यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तथा उसका रेखीय संवेग 2500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, तो इस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए।
अब देखिए इसको लगाने के पहले हमको इसमें ध्यान देना क्या क्या दिया है। तो द्रव्यमान हमारा दिया है, द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं तो यम से। यम हमारा कितना दिया है 50 केजी। और क्या दिया है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग इसको हम डिनोट करते हैं पी से। ये कितना दिया है तो 2500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बात समझ आई, कोई दिक्कत? अब हम सूत्र लगा देते हैं अपना, तो P बराबर क्या हो जाएगा m इनटू v। अब इसमें हमारा क्या दिया, P बराबर कितना दिया 2500 बराबर m का मान कितना है 50 गुणे v। अब एक काम करते हैं, पूरी पार्टी हम एक तरफ इधर उठा लाते हैं, तो 50 गुणे क्या हो जाएगा v, 50 गुणे v बराबर किसके हो जाएगा 2500 के, ठीक ना? तो v बराबर क्या हो जाएगा 2500 अपान 50 जो हो गया 1010 इधर। यस सर। अभी हमारा आ गया 250 अपान 5, ठीक ना? तो इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 5 25 25 जीरो, हमारा कितना आ गया आंसर 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना? किलोग्राम से किलोग्राम कट गया ना, क्योंकि दोनों क्या है किलोग्राम ही है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम अगर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड से भाग में भाग दें किससे, किलोग्राम से, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया ना, तो क्या बचा हमारा मीटर प्रति सेकंड, तो हमारा आंसर कितना आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। लगा लीजिए इसको,